नमस्कार, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट में मंथ्स ऑफ द ईयर, वर्ष में महीनों के नाम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। तो सबसे पहला महीना है, वो है जनवरी। तो आइए हम पहले स्पेलिंग सीखते हैं। जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी। आगे है एफ ई बी आर यू ए आर वाई, फरवरी। ये फरवरी वर्ष का दूसरा महीना होता है। पहला महीना जनवरी और दूसरा फरवरी। आइए तीसरे महीने पर चलते हैं। एम ए आर सी एच, मार्च। मार्च महीना तीसरा महीना। और चौथा महीना है अप्रैल। ए पी आर आई एल, अप्रैल। अप्रैल महीना कौन सा है बच्चों? ये वर्ष का चौथा महीना है। और इसके बाद में हम चलते हैं मई पर। ये मई की स्पेलिंग है, महीनों में सबसे छोटी स्पेलिंग है, तीन अक्षरों की स्पेलिंग है ये। एम ए वाई, मई। मई यानी मई। और इसके बाद में है छठा महीना, जिसमें बच्चों को अक्सर छुट्टियां रहती है। तो वो छुट्टियों का महीना कौन सा है? जून। जे यू एन ई, जून। और उसके बाद में सातवां महीना आता है जुलाई का, जिसमें हमारे नए क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो इस बार बच्चों लॉकडाउन की वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई है वो जुलाई में चल रही है। जे यू एल वाई, जुलाई। जुलाई के बाद में अगस्त का महीना, आठ नंबर पर जो है वो है अगस्त का महीना। ए यू जी यू एस टी, अगस्त। अगस्त के बाद में हम आते हैं नौवें महीने पर, और नौवा महीना है सितंबर का। तो आइए स्पेलिंग पढ़ते हैं। एस ई पी टी ई एम बी ई आर, सितंबर। ये थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, इसको आप तीन हिस्सों में अलग अलग करके याद कर सकते हैं। जैसे एस ई पी को अलग करेंगे सेप्टेम्बर, और फिर बी ई आर सितंबर। तो इस प्रकार आप इसको अलग अलग हिस्सों में भी याद कर सकते हैं, लेकिन लिखना एक साथ है इसको। और इसके बाद में है ओ सी टी ओ बी ई आर, अक्टूबर। अक्टूबर दसवां महीना होता है। और इसके बाद में आगे हम आते हैं नवंबर पर। एन ओ वी ई एम बी ई आर, नवंबर। नवंबर महीना है वो ग्यारहवां महीना होता है। इसके बाद में हम चलते हैं
लास्ट मंथ पर। लास्ट मंथ होता है दिसंबर। डी ई सी ई एम बी ई आर दिसंबर, ये लास्ट 12वां महीना। तो प्यारे बच्चों, पहला महीना कौन सा था? जनवरी। और उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर पांचवा महीना मई, जिसकी स्पेलिंग सबसे छोटी है। और उसके बाद में है जून, जुलाई, अगस्त, और फिर है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। प्यारे बच्चों, ये जो स्पेलिंग आपको दी गई है, इसे आप अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इनको याद करेंगे। जैसे दो स्पेलिंग आप आज याद कर लीजिए और दो अगले दिन। लिखना एक साथ है और याद करने के लिए आप आराम से इसे थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं। कुछ स्पेलिंग है जैसे मई, जून, जुलाई, ये छोटी स्पेलिंग है, तो उस दिन आप एक दिन में चार स्पेलिंग याद कर सकते हैं। और ऐसे इसको आप दो तीन दिन में कंप्लीट करें और चार लाइन की कॉपी में इसे सुंदर सुंदर लिखें। और इसके साथ ही आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाई जाएगी और उसके माध्यम से भी आप सीखने का प्रयास करें। वैसे तो आपको बता दिया गया है, लेकिन वीडियो से अगर आप सुनेंगे फिर आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे आप इसे याद करें। वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ष के 12 महीनों के नाम अंग्रेजी और हिंदी में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले इंग्लिश में वर्ष के 12 महीनों के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी में सीखेंगे। तो सबसे पहले है जनवरी। अब हम लोग एक एक वर्ड करके सीखेंगे। तो चलिए, जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी। नेक्स्ट बच्चों फरवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई, फरवरी। नेक्स्ट मार्च, एम ए आर सी एच, मार्च। नेक्स्ट बच्चों अप्रैल, ए पी आर आई एल, अप्रैल। नेक्स्ट मई, एम ए वाई, मई। नेक्स्ट जे यू एन ई, जून। नेक्स्ट जुलाई, जे यू एल वाई, जुलाई। अगस्त, ए यू जी यू एस टी, अगस्त। नेक्स्ट सितंबर, एस ई पी टी ई एम बी ई आर, सितंबर। नेक्स्ट अक्टूबर, ओ सी टी ओ बी ई आर, अक्टूबर। नेक्स्ट नवंबर, एन ओ भी ई एम बी ई आर, नवंबर। नेक्स्ट बच्चों दिसंबर, डी ई सी ई एम बी ई आर, दिसंबर। अब बच्चों हम लोग जनवरी फरवरी हिंदी में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ सबसे पहले है जनवरी। ज न व रोद्रिकर, जनवरी।